आज हम बनाएंगे गणेश जी स्पेशल। मात्र एक ग्लास दूध और दो से तीन सामानों से बनने वाली मावा बिना मिल्क पाउडर से बहुत ही टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली एकदम मोदक लड्डू। इतने सॉफ्ट और इतने जबरदस्त बनते हैं कि जब आप एक बार बनाएंगे ना तो पहली बार में ही परफेक्ट बनेंगे, कोई फेल होने का चांस नहीं है, कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाना। चलिए करते हैं शुरू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं छाया, स्वागत है आपका हमारे माँ बेटी किचन पर। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी ना मैंने गणेश चतुर्थी की जब आगमन होता है ना उस दिन बनाई थी, क्योंकि ये बहुत ही फटाफट बन जाती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो जिसके लिए मैंने बचा हुआ मात्र ये एक गिलास बचा हुआ था, मलाई भी इस पर पड़ी है। साथ ही साथ मैंने ले लिया है 100 ग्राम के करीब पनीर। पनीर जो हमें लेना है वो फ्रेश होना चाहिए। ये मेरा घर का बना हुआ है, आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं। इस दूध को मैंने ले लिया है। चलिए अब हमें जरूरत होगी एक हैवी बॉटम कढ़ाई की, क्योंकि ऐसी जो रेसिपी है ना इसको आप जब बनाए ना तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि जो कढ़ाई का बॉटम हो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ग्लास दूध से ही बना सकते हैं। यदि आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा दूध का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ग्लास दूध ही बचा था तो मैंने सारा कढ़ाई पर डाल दिया है। और अब हमें इस दूध को थोड़ा सा कंटिन्यू चलाना है। तो देखिए, सिर्फ गर्म होना चाहिए, उबाल वगैरह कोई आने की जरूरत नहीं है। तो दूध को हम ऐसे ही इसको साइड पर उबलने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो चलिए जब तक एक तैयारी और कर लेते हैं। एक बाउल ले लिया, इस पर हम लेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब चीनी। तो चीनी थोड़ा कम रखिएगा, तभी टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा आता है। तो दूध हमारा सिर्फ गर्म हुआ है, उबला नहीं है, और इस पर हम चीनी को डाल देते हैं इसी स्टेज पर। बस गैस का फ्लेम मेरा अभी हाई है और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक इस पर उबाल नहीं आ जाता। इस पर मैंने थोड़ा सा केसर को दूध में भिगो दिया था, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। तो इसको हमने चलाया और आप देख पा रहे हैं कि इस पर प्रॉपर उबाल आ गया है। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से उबाल लेते हैं, थोड़ा सा थिक हो जाता है। जब तक मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश नारियल का यूज कर सकते हैं, वरना सूखे नारियल को आप छिलका हटा के उसको भी मिक्सर पर ग्राइंड कर सकते हैं, उससे भी ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने एक कटोरी से भी थोड़ा कम है, तो ऐसा मान के चलिए एक कटोरी का 3 हिस्सा है। तो और ये थोड़ा सा 2 से 3 मिनट कुक हो गया है और जो सारा डेसिकेटेड कोकोनट है हम इस पर डाल देते हैं। इसको हम फटाफट से चला देते हैं और इसको अभी हमें चलाना बंद नहीं करना है। यदि आप बगल में कोई दूसरा काम कर रहे हैं, गैस का जो फ्लेम है ना उसको मीडियम कर लीजिए, लेकिन आपको इसको चलाते रहना है, बराबर आपको छोड़ना नहीं है, वरना ये तली पर लग जाता है। देखेंगे कि आप ये थोड़ा सा थिक होने लगा है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की हो गई है। तो देखिए, इसको हम ऐसे ही पकने देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया। इधर जो मैंने पनीर लिया था उसको मैंने ले लिया है, साथ में हमने ग्रेटर लिया है, जो मीडियम वाला ग्रेटर होता है ना उससे हमें ग्रेट कर लेना है पनीर को। एक बात का आपको ध्यान रखना है, पनीर को पीसना नहीं है, पनीर को बहुत ज़्यादा एकदम मैसी नहीं करना है, बस मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। देखिए, पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है, कुछ इस तरीके की लच्छे हैं, मैश बिल्कुल भी नहीं किया है। चलिए हम पनीर को ले लेते हैं और इधर हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा काफ़ी थिक हो गया है, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा थिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छे से चला दिया, जो पनीर है ना वो भी हम सारा इस पर डाल देते हैं। आपको मैं बार बार दिखा रही हूँ कि फाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, सारा पनीर हमने डाल दिया है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अब आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये थोड़ा थिक भी हो गया है और पनीर भी डल गया है, जो कि तली पर काफ़ी लगता है। जो दूध हमने डाला है ना वो भी काफ़ी थिक हो गया है, तो हमें इसको चलाते हुए पका लेना है। तो जैसे जैसे ये थोड़ा थिक होने लगेगा ना तो आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। अभी मैंने हाई पर रखा है, देखिए कितना थिक हो गया है। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये काफ़ी थिक नहीं हो जाता और ये जमने की कंसिस्टेंसी पर नहीं आ जाता। देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है। यदि आपको थोड़ा सा हार्ड पसंद है तो आप थोड़ा सा और थिक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सॉफ्ट जूसी अच्छे लगते हैं। देखिए इतना हमें इसको पकाना है और अब हम इसको चेक करेंगे। थोड़ा सा बॉल बनने लगे तो इसका मतलब ये प्रॉपर सेट होने के लायक हो गया है। तो मैंने इसको गैस को बंद कर दिया है और ये थोड़ा सा गर्म होता है तो थोड़ा मैंने इसको और चला लिया है, जिससे ये नीचे थोड़ा डार्क ना हो। तो चलिए अब हम इसको गैस से नीचे उतार लेते हैं
और इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही चला देते हैं जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। देखिए तो चलिए इसको मैं साइड पर कर देती हूँ। इधर मैंने एक प्लेट ले लिया है, तो चलिए मिक्सचर को हम दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा जल्दी से ठंडा हो जाता है। क्यों भाई, वहाँ पे गणेश जी का पूजन करना है, उनके लिए भोग प्रसाद भी बनाना है, तो मैंने प्लेट पर निकाल लिया। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और देखिए अभी भी काफ़ी जूसी है, सॉफ्ट है। अब देखिए मैं पहले मोदक बताती हूँ बिना मोल्ड के। देखिए कुछ इस तरीके से लड्डू बनाया है और इस तरीके से आपको कर देना है, और ये देखिए ये हमारा मोदक बन गया है। और अब आप इस पर बैक हिस्से से स्पून से इस तरीके से निशान बना सकते। इसी मिक्सचर से मैंने 5 से 6 मोदक भी बनाए थे गणेश जी के लिए, और मैंने सोचा कि भाई क्यों ना लड्डू भी बना लिए जाएँ, गणेश जी को वो भी काफ़ी पसंद होते हैं। तो एक ही मिक्सचर से मेरी 2 रेसिपी गणेश जी के लिए रेडी हो गई थी। आप चाहे इसको बर्फी जैसा भी सेट कर सकते। देखिए कितना बढ़िया ये लड्डू हमारा बना है, और पनीर डालने की वजह से ये काफी बढ़िया बनता है, टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। आप चाहें तो घर पर फ्रेश पनीर भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेना है। आपकी जो रेसिपी ना पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी, कोई फेल होने का चांस नहीं है। आप इन्हें गणेश जी पर बनाइए या तो कभी भी बना सकते हैं, मैंने इसको गणेश जी पर बनाया है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आप इस रेसिपी को कब बनाने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने सारे लड्डू और मोदक बना, तो मैंने सिर्फ 6 ही मोदक बनाए थे। देखिए सारे बन गए हैं, और अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। जिसको मैंने केसर को भिगो के रखा था ना, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा केसर लगा देती हूँ, केसर का दूध लगा दिया, थोड़ा सा मैंने इसको पिस्ता से डेकोरेट कर दिया। ये आपकी चॉइस भाई, फेस्टिवल है, थोड़ा सजाना धजाना तो बनता है। देखिए बहुत ही टेस्टी, एकदम जबरदस्त, मिनटों में बनने वाली, मुँह में घुल जाने वाली गणेश जी स्पेशल मोदक लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने जबरदस्त बने हैं, एकदम सॉफ्ट, मुँह में जाते ही खुल जाए भाई, इतने जबरदस्त बने हैं कि मजा आ जाएगा। सबसे बड़ी खास बात है कि आप इसको बनाइए और एक डिब्बे पर बंद करके आप एक हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही फैमिली फ्रेंड पर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।